जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर पूरी दुनिया के अंदर यही घूमती रही कि हमास के सबसे बड़े लीडर जो सरबराह थे इस्माइल खानिया, उनको ईरान के कैपिटल तेहरान के अंदर एक मिसाइल अटैक के अंदर मार दिया गया है। और दोस्तों, उनको निशाना कैसे बनाया गया कि वो ईरान की सदर की इनॉग्रेशन के लिए ईरान आए हुए थे और तेहरान के अंदर अपने बेडरूम में थे, और दोस्तों ठीक उसी बेडरूम के अंदर उस मिसाइल से हमला किया गया और इस्माइल हानिया जाँ बहक हो गए। और इस हमले के अंदर 3 मासूम ईरानी भी कोलैटरल डैमेज के नतीजे में हलाक हो गए। और 48 घंटे के अंदर अंदर इसराइल ने अपने दूसरे टारगेट को हिट किया है, और 48 घंटे में ही हिजबुल्ला के लीडर को निशाना बनाया और मार दिया, और आज जो है वो हमास के सबसे बड़े लीडर को उन्होंने मार दिया है। दोस्तों, ये इसराइल की तो कामयाबी है, मगर हमास के लिए, हिजबुल्ला के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इसराइल की ये तारीख है कि वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। और एक ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है कि इसराइल की टीम के ऊपर ओलंपिक्स के अंदर हमला हुआ, उनके लोगों को कत्ल किया गया था, और मोसाद जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी है, उसने उन तमाम तर लोगों को, चाहे वो दुनिया के अंदर कहीं भी थे, उनको खत्म कर दिया था। और देखिए कि अब इसराइल के ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर है और उनके खिलाफ ये तमाम तर पूरी दुनिया के लोग खड़े हुए हैं, मगर इसराइल अपने दुश्मनों को मारता जा रहा है। और दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, हिजबुल्ला के लोग जो हैं वो भी इस वक्त बहुत गर्म हैं, और ईरान के कैपिटल के अंदर ये वाकया पेश आया है, और ईरान इसका जवाब देगा और भरपूर जवाब देगा। और देखना ये है कि इसका जवाब कब दिया जाता है, अब देंगे कि लॉन्ग टर्म में देंगे। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या ख्याल है, अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा।